में अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पोहा कटलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस रेसिपी को आप चाहे तो स्नैक्स में या टी टाइम पे कभी भी फटाफट बना लीजिए। एक घर में रखे इंग्रेडिएंट में बनके तैयार होने वाला रेसिपी है और खाने में बहुत ही लजीज लगता है। तो चलिए हम इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। पकौड़े के लिए हमने आधा बॉल पोहा ले लिया है। ये मुश्किल से 50 ग्राम पोहा होगा। ये बारीक वाला पोहा है, आप देख सकते हैं। आप मोटा वाला ले रहे हैं तो भिंगाने में थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और ये बारीक वाला है तो इसे हम थोड़ा सा भिंगाएंगे। तो पोहा भिंगाने के लिए हम इसमें 1 ग्लास पानी डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं अपनी पोहा जो है डूब चुकी है। इससे ज्यादा हमें पानी नहीं डालना है और इसे हम 1 मिनट तक पोहा में पानी को सोखने के लिए छोड़ देंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारे पोहा ने पानी को थोड़ा सा सोख लिया है। अब इस स्टेज पे हम पानी को छान लेंगे। तो हमने एक बॉल पे स्ट्रेनर रख लिया है, इसमें ये पोहा को धीरे से गिरा देंगे। आपके पास स्ट्रेनर ना हो तो मुट्ठी से छान के निकाल लीजिए, उससे भी पानी निकल जाता है। अब हम इसे चम्मच से ऐसे प्रेस करेंगे तो एक्स्ट्रा पानी जितना है वो निकल जाएगा। आप देख सकते हैं हमने पोहा से पानी अलग कर लिया है। अब हम इसे एक बड़े बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अपना पोहा फड़हड़ा है, गीला नहीं है। अभी ये और ड्राई होगा तो इसके लिए हमें इसे 5 मिनट तक और छोड़ देना है, क्योंकि पोहा जो है और पानी ऑब्जॉर्ब करेगा और भी फड़हड़ा होगा। तो हम इसे 5 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं अपना पोहा जो है बिल्कुल फड़ाड़ा हो चुका है। हमें ऐसे ही पोहा चाहिए पकौड़े के लिए। अब हम इस पकौड़े में डालेंगे आलू। तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज आलू को बॉयल करके, पील करके, मैश के रखा है। और साथ में हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने 1 बड़ा साइज प्याज को बारीक बारीक चॉप कर रखा है। सबसे पहले हमें ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को हाथ से अच्छे से मसल लेंगे, बाद में बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो हाथों से ऐसे अच्छे से मसलना है, क्योंकि पोहा और आलू प्याज बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए। मिर्च मसाला डालने के बाद जब हम मसलते हैं तो हाथों में जलन होने लगती है। तो पहले हम मसल लेंगे, फिर बाद में इसे बाकी सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमने आलू प्याज और पोहे को अच्छे से मिक्स कर लिया है, यानी कि बिल्कुल ही इसमें टुकड़े नहीं दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे, यहाँ पे हमने एक छोटा सा शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट रखा है, एक छोटा गाजर को हमने बारीक काट रखा है, 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने बारीक काट रखा है। तो यहाँ पे आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं और अपने मनपसंद की सब्जियां और भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 4 हरी मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में काट रखा है, वो भी डाल देते हैं। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। आलू के साथ मिक्स कर लिया है। अब चलिए हम हाथ साफ करके इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच खड़ा जीरा, यानी कि साबुत जीरा, 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच हम भर के डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा हम हल्दी डाल लेंगे और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। और यहाँ पे हम 4 चम्मच बेसन डाल दे रहे हैं, यानी कि चने का आटा। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। तो यहाँ पे हम 1 नींबू का रस निचोड़ ले रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे चाट मसाला डालिए या तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो हल्का सा खटास के लिए डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने में हमें
घबराना नहीं है, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स होना चाहिए, तभी नमक सब में बराबर मात्रा में मिक्स होगा। आप देख सकते हैं हमने पोहा, आलू, प्याज यानी कि सारे इंग्रेडिएंट्स का एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब चलिए हम इसका एक शेप देते हैं बढ़िया सा। अब यहाँ पे हम हाथों को तेल से थोड़ा सा इसे ग्रीस कर लेंगे, इससे क्या होगा बैटर अपना चिपकेगा नहीं। और हम थोड़ा थोड़ा लेंगे, आपको जितना बड़ा पकौड़े बनाना है उतना बड़ा लीजिए और ऐसे हथेलियों से गोल करते हुए दबा दीजिए। तो हम यहाँ पे ये कॉटलेट शेप में दिए हैं, दूसरा हम इसे रोल शेप में देंगे, तो आप अपने मनपसंद अनुसार बनाइए, हम आपको बता दे रहे हैं। दूसरा हमने ये रोल शेप में तैयार कर लिया, तीसरा हम इसे ऐसे करके और कोन शेप में बनाएंगे। हम शेप अलग चेंज करते हैं तो हमारे बच्चे बड़े खुशी से खाते हैं, उनको लगता है कि अलग अलग तरीके का ये रेसिपी है, पर वही है सेम, आप अपने पसंद से दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमने ऐसे त्रिकोण भी बना लिया, तो इसी टाइप से हम सभी पकौड़े तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अलग अलग शेप में अपने पकौड़े तैयार कर लिए हैं। चलिए अब हम फ्राई करते हैं। गैस पे हमने तेल गरम कर लिया है, अब हम इसमें एक छोटा सा बॉल डाल के देख लेंगे कि अपनी तेल की टेम्परेचर सही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं जब हमने उसमें पकौड़े का बॉल्स डाला तो ये तैर के ऊपर आ गया। तो ऐसे ही गरम तेल चाहिए हमें पकौड़े तलने के लिए। हम ये पकौड़ा का बॉल्स हटा दे रहे हैं और इसमें अपना अब कटलेट डाल रहे हैं। तो ऐसे हम एक एक करके कटलेट डाल देंगे, एक बार में जितना आ सके उतना आप डालिए और इसे हम एक साइड से 1.5 से 2 मिनट फ्राई होने के बाद टर्न करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम इसे एक बार ऐसे उलट लेते हैं, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आ रहा है। उलट उलट के हम इसे करारेदार होने तक फ्राई करेंगे। एक बैच फ्राई करने में हमें 10 से 12 मिनट लग सकता है, हम दोनों साइड से उलट उलट के करेंगे। हमने दोनों साइड से उलट पलट के अपने पोहा के पकौड़े को फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है और ये करारेदार भी लग रहा है। तो हम इसे झरनी से टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा तेल कड़ाही में गिरा देंगे और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी के पकौड़े भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने पोहे आलू का पकौड़ा बना के तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं ये गोल कॉटलेट ये ट्रायंगल में है, ये रोल में है। तो आप कोई भी शेप देके ऐसे करारेदार पकौड़े तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कॉटलेट बनाना कितना आसान है और खाने में तो इसका जोर नहीं। तो इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।